हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि जब भी हम लोग अपनी मशीन के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को होल्ड करने के लिए कुछ डायरेक्टरीज यूज की जाती है, यानी कि कुछ फोल्डर्स यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो सी ड्राइव के अंदर इन कुछ फाइल एंड डायरेक्टरीज के अंदर जाकर सेव होती है, जैसे कि प्रोग्राम फाइल्स हो गया, यूजर्स हो गया, विंडोज डायरेक्टरी हो गया, या फिर प्रोग्राम x86 हो गया। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है। इसी तरह दोस्तों, जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को होल्ड करने के लिए भी कुछ डायरेक्टरी वगैरह यूज की जाती है। जैसे कि और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं रूट यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देखिए, इस टाइम पर मैं RHEL 7 सर्वर नाम की वर्चुअल मशीन पर हूँ, जहाँ पर मैंने अभी रूट यूजर से लॉगिन किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप प्लेसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं रूट नाम का पार्टीशन ओपन हो गया है। दोस्तों, इसे हम लोग रूट पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं और रूट पेरेंट डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो है वो सी ड्राइव के अंदर सेव होती है, इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती है वो रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर सेव होती है, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पेरेंट डायरेक्टरी के नाम से भी जानी जाती है, या फिर रूट पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं। अब रूट पार्टीशन के अंदर या रूट पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर ये कुछ सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि बिन, बूट, देव, ETC, मीडिया, लेब, प्रो, ये आप बहुत सारे यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वो सब डायरेक्टरीज होती है या डायरेक्टरीज होती है जिसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। ये तो हमारा ग्राफिकल हो गया, लेकिन अगर आप यही डायरेक्टरीज आप कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा देखना चाहते हैं या टर्मिनल के द्वारा देखना चाहते हैं, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अपनी मशीन पर टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले आप रूट पार्टीशन के अंदर चलेंगे या रूट पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर चलेंगे। सीडी कमांड के द्वारा टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब आप PWD कमांड के द्वारा देख सकते हैं कि आप इस टाइम पर रूट पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ से भी आप अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ की फाइल एंड डायरेक्टरीज वगैरह देखने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं LS टाइप करके। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सब डायरेक्टरीज होती हैं या सिस्टम डायरेक्टरीज होती हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। सभी डायरेक्टरीज का जो है वो कलर अलग-अलग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ ब्लू कलर में आई हुई है, कुछ ग्रीन कलर में आई हुई है, कुछ स्काई ब्लू कलर में आई हुई है। किस कलर का क्या मीनिंग है दोस्तों, मैं ये आपको आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये जो कुछ डायरेक्टरीज आपके सामने दी हुई है, अब मैं इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प लूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रूट डायरेक्टरी जिसे हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं, लाइनेक्स की पेरेंट डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आती है दोस्तों, रूट पार्टीशन के अंदर एक रूट नाम की डायरेक्टरी होती है। दोस्तों रूट पार्टीशन के अंदर जो रूट नाम की डायरेक्टरी होती है, इसमें हमारे ये जो होती है ये सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर रूट यूजर की प्रोफाइल सेव होती है। सेकंड होता है होम डायरेक्टरी। दोस्तों रूट पार्टीशन के अंदर जो रूट नाम की डायरेक्टरी होती है, ये सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर सुपर यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जितने भी हमारे नॉर्मल यूजर होते हैं, उनकी होम डायरेक्टरी जो होती है वो रूट पार्टीशन के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर सभी नॉर्मल यूजर की इंफॉर्मेशन सेव होती है। इसके बाद आती है दोस्तों, रूट पार्टीशन के अंदर ईटीसी नाम की डायरेक्टरी। दोस्तों रूट पार्टीशन के अंदर जो ईटीसी नाम की डायरेक्टरी होती है, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को सेव करती है। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सी ड्राइव के अंदर जो विंडोज नाम की डायरेक्टरी होती है, वो कंप्लीट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को होल्ड करता है। इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रूट पार्टीशन के अंदर ईटीसी नाम की डायरेक्टरी होती है, जो कि कंप्लीट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को सेव करता है। दोस्तों इसके बाद आती है रूट पार्टीशन के अंदर ओपीटी नाम की डायरेक्टरी। दोस्तों रूट पार्टीशन के अंदर जो ओपीटी नाम की डायरेक्टरी होती है, जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है या सेव करता है रूट पार्टीशन के अंदर ओपीटी नाम की डायरेक्टरी। इसके बाद आता है दोस्तों, रूट पार्टीशन के अंदर बिन नाम की डायरेक्टरी होती है। दोस्तों बिन नाम की डायरेक्टरी जो होती है, जितने भी हमारे नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनकी सभी कमांड्स को सेव करता है। यानी कि जब भी हमारे नॉर्मल यूजर जो हैं किसी भी टर्मिनल से जाकर लॉगिन करके किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन एग्जीक्यूटेबल कमांड का जो पाथ होता है या एग्जीक्यूट लोकेशन होती है, वो रूट पार्टीशन के अंदर बिन नाम की डायरेक्टरी होती है। इसके बाद आता है रूट पार्टीशन के अंदर एस बिन नाम की डायरेक्टरी। दोस्तों जिस तरह बिन डायरेक्टरी जो है वो नॉर्मल यूजर्स की कमांड्स को सेव करता है या होल्ड करके रखता है, इसी तरह रूट पार्टीशन के अंदर जो एस बिन नाम की डायरेक्टरी होती है, ये सुपर यूजर की एग्जीक्यूटेबल कमांड्स को सेव करता है। जब भी सुपर यूजर यानी कि रूट यूजर जो है किसी भी टर्मिनल से जाकर अपने अकाउंट को एक्सेस करता है और किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करता है, तो वो जो एग्जीक्यूट कमांड होती है वो एसबिन नाम की डायरेक्टरी से एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद आता है दोस्तों, रूट पार्टीशन के अंदर देव नाम की डायरेक्टरी। दोस्तों देव नाम की जो डायरेक्टरी होती है वो हमारी डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव करता है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क वगैरह। इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रूट पार्टीशन के अंदर देव नाम की डायरेक्टरी होल्ड करती है। इसके बाद आता है, रूट पार्टीशन के अंदर एक प्रोक नाम की डायरेक्टरी होती है। दोस्तों प्रोक डायरेक्टरी के अंदर जितने भी रनिंग प्रोसेस होते हैं उनको होल्ड करके रखता है प्रोक नाम की डायरेक्टरी।
दोस्तों प्रोग डायरेक्टरी जो है वो रनिंग प्रोसेस तो होल्ड करती ही करती है, के साथ साथ वो कर्नल एक्टिविटी को भी होल्ड करके रखती है या फिर सेव करती है। इसके बाद आता है रूट पार्टीशन के अंदर VAR नाम की डायरेक्टरी। दोस्तों जो रूट पार्टीशन के अंदर VAR नाम की डायरेक्टरी होती है, ये हमारे लॉग्स यानी कि जितनी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं अपनी मशीन पर, उनके जो लॉग्स होते हैं या लॉग्स जो जनरेट होते हैं या इवेंट्स जो जनरेट होते हैं, वो रूट पार्टीशन के अंदर VAR नाम की डायरेक्टरी के अंदर सेव होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इतनी ही डायरेक्टरी को डिस्कस करते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।